नमस्कार सिग्नल फास्ट पोस्ट में आपसे स्वागत है। दोस्तों इंडिया में 5G इंटरनेट टेस्टिंग चल रहा है और ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर ऑलरेडी 5G इंटरनेट स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी को इस वीडियो में ये बताऊंगा इंडिया में जो 5G इंटरनेट बीटा टेस्टिंग चल रहा है कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हो। यहाँ दोस्तों 5G इंटरनेट इंडिया में लॉन्च होने से पहले आप टेस्टिंग का हिस्सा बन के फोन में 5G इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैसे ये जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप बिफोर द लॉन्च फोन में 5G इंटरनेट यूज़ कर सको। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो हमारा मेहनत सफल हो रंग लाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए 5G इंडिया और इसे कमेंट कर दीजिए। दोस्तों ये छोटा सा कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों फोन में 5G इंटरनेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कीजिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स, सिलेक्ट कीजिए। फिर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप्स, सिलेक्ट कीजिए। फिर ऊपर आपको देखिए थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, शो ऑल ऐप्स सिलेक्ट कीजिए। और आपके फ़ोन में जितने एप्लीकेशन आपको यहाँ पर वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, आपके फ़ोन में जो सिस्टम एप्लीकेशन है और आपने जो एप्लीकेशन खुद से डाउनलोड किया है, देन आपको यहाँ पर ये सर्च के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कीजिए गूगल। फिर आपको यहाँ पर एक सर्विस देखने को मिलेगा गूगल प्ले सर्विस, सिलेक्ट कीजिए। फिर स्टोरेज सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर नीचे देखिएगा ऑप्शन है क्लियर डाटा, क्लिक कीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैश, क्लियर कैश सिलेक्ट कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस से कैश क्लियर करना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद इसे क्लोज कीजिए। अभी इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले सर्विस की कैश डाटा डिलीट करना है, ठीक है। फिर फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कीजिए और ये इंपॉर्टेंट है अभी देखिए। और आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स, सिलेक्ट कीजिए। फिर आप जिस सिम में इंटरनेट यूज़ करते हो वही सिम यहाँ पर स्लॉट सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम यानी APN सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा न्यू APN, यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा ऑप्शन एड APN प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू APN के ऊपर क्लिक कीजिए और आपसे आपको यहाँ पर पूछेगा नेम। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर क्या डाटा देना है देखिए। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर 5G, ठीक है, कैपिटल जी लिखना है। फिर यहाँ पर कैपिटल BETA 5G बीटा और इसे ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर APN, तो APN इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको क्या लिखना है देखिए, APN में आपको लिखना है 5, फिर स्मॉल लेटर में यहाँ पर लिखिए G टेस्टिंग, TESTING टेस्टिंग बीटा BETA। आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, 5G टेस्टिंग बीटा आपको ये लिखना है। फिर इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रॉक्सी, तो आपको यहाँ पर प्रॉक्सी में कुछ नहीं डालना है। फिर यहाँ पर पोर्ट में आपको कुछ नहीं डालना है। यूज़र नेम, पहले जो मैं आपको सेटिंग बता रहा था उसमें आपको यूज़र नेम डालना होता है, लेकिन आपको इस सेटिंग के अंदर यूज़र नेम कुछ नहीं डालना है। फिर पासवर्ड कुछ नहीं करना है और यहाँ पर देखिए सर्वर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए www.google.com google.com, ठीक है, और इसे ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर MMSC, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। MMC प्रॉक्सी यहाँ पर भी चेंज नहीं करना है, पोर्ट में कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए MCC, यहाँ पर ये 405 रहना चाहिए, ठीक है, इसे ओके कर दीजिए। फिर MNC 866 ये होना चाहिए, इसे ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेट टाइप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसे कुछ नहीं करना है। APN टाइप ये भी चेंज नहीं करना है। फिर देखिए APN प्रोटोकॉल यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए IPv4/IPv6 सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए APN रोमिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर भी IPv4/IPv6 सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है बैरियर, तो यहाँ पर बैरियर इसे सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल यहाँ पर बैरियर सिलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो, क्या करना है, अनस्पेसिफाइड, फिर LTE और यहाँ पर ये और HSPA, तो आपको ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये चारों ये पांचों ऑप्शन, ठीक है।
तो आपको ये पांचों ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन में ये मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होते हैं ठीक है, तो बस यहाँ पर इसे अनस्पेसिफाइड ही रखिए ठीक है। अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं ठीक है, ये पांचों ऑप्शन, फिर इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको और कोई चेंजेस नहीं करना है, फिर मोर के ऊपर क्लिक कीजिए और इसे सेव कर दीजिए ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 5G बीटा यहाँ पर देखिए आ चुका है ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो तो यहाँ पर देखिए 5G बीटा आ चुका है। बस आपको यहाँ पर अभी ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये APN सिलेक्ट हो चुका है ठीक है। यहाँ पर देखिए 5G यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए। और दोस्तों यकीन मानिए आपका इंटरनेट बहुत तेज़ हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, और आप सबसे पहले 5G इंटरनेट इंडिया में लॉन्च होने से पहले टेस्टिंग का हिस्सा बन सकती हो, जो अभी फिलहाल बीटा टेस्टिंग में चल रहा है इंडिया में, और आप उसका हिस्सा बन सकती हो। तो ये इन्फॉर्मेशन जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी ये जो बीटा टेस्टिंग है उसका हिस्सा बन सके। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।